इस वीडियो का मेन मोटिव है कि मैं आपको नॉलेज दे सकूं कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कोई लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाओगे वट एवर द रेंज इज। बिकॉज लोगों को पता नहीं होता कि उनको अपने नीड के हिसाब से किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी सो दैट कि उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। सो दिस वीडियो कवर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि आपको बेस्ट लैपटॉप्स कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे प्रोसेसर सिलेक्ट करते हैं, कैसे जीपीयू सिलेक्ट करते हैं, कैसे रैम सिलेक्ट करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन ही आपका ये होना चाहिए कि आप लैपटॉप ले क्यों रहे हो, आपका यूज क्या है। सो इसको मैं दो या तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। नंबर वन, जो नॉर्मल ब्राउजिंग करेंगे या फिर सोशल मीडिया चलाएंगे या फिर यूट्यूब चलाएंगे या फिर नॉर्मल मूवीज वगैरह देखेंगे या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कोडिंग वगैरह करते हो। थर्ड कैटेगरी में आपके पास आते हैं वो लोग जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए आपके, या फिर थोड़ा और प्रोफेशनल वर्क जो होता है वो करते हैं, वो एक थर्ड कैटेगरी होती है। और उसके आगे जो फोर्थ कैटेगरी है वो ऑब्वियसली गेमर्स की तरफ आती है। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी हो और उसके हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फ्रेम से। ये चीज अपने अंदर फिक्स कर लो कि फ्रेम जो है वो मेटल का ही लेना है, क्योंकि प्लास्टिक फ्रेम के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि जो उसकी हिंज है वो खराब हो जाती है। लेट मी शो यू। तो ये लैपटॉप है और अगर आपको दिख रहा है तो ये ऐसे होता रहता है। अब इसकी साउंड भी आप सुन लो, इस तरह से करता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो ये हिंज यहाँ से उखड़ चुकी है, इसको ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और ये हिंज यहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट उखड़ ही गई है, तो मुझे इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो प्लास्टिक का जो फ्रेम होता है उसके साथ यही दिक्कत होती है कि 1-2 साल के अंदर अंदर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है, कहीं से टूट जाती है, कुछ पोर्शन टूट गया या हिंज खराब हो गई या ट्रैक पैड खराब हो गया। तो फ्रेम होगा हमेशा मेटल का विद अ स्मॉल स्टार इफ योर बजट अलाउज यू टू डू सो। अगली बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले साइज कंप्लीटली आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको 14 इंच का लैपटॉप लेना है, 15.6 इंच का लैपटॉप लेना है, क्योंकि 14 इंच का जो लैपटॉप होता है वो बहुत ज्यादा पोर्टेबल होता है, आप उसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, उसमें ज्यादा वजन नहीं होता क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। जो 14 इंच लैपटॉप होता है वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स लेके जाते हैं या जो प्रोफेशनल्स अपने बैग के अंदर रखते हैं उनके लिए बना होता है 14 इंच लैपटॉप। जो उससे ऊपर के लैपटॉप होते हैं जैसे कि 15.6 इंचेस, वो बने होते हैं वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर या फोटो एडिटिंग जो करते हैं या फिर अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो उनके लिए 15.6 इंच की डिस्प्ले बनी होती है। अब थोड़ा डिस्प्ले पैनल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 तरह के आपको डिस्प्ले पैनल मिलेंगे, IPS मिलेगा और TN पैनल मिलेगा। कोशिश करो TN पैनल मत लो, बहुत ही गंदे कलर्स होते हैं, व्यूइंग एंगल्स बहुत ही गंदे होते हैं, आप साइड से देखोगे आपको बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। प्लीज कोशिश करो IPS पैनल ही लो क्योंकि उसके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं और TN पैनल से तो बहुत बेटर होता है वो। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस कौन देगा? प्रोसेसर। और प्रोसेसर आते हैं 2 ब्रांड्स की तरफ से, AMD और Intel। अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर हो, आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा मैं कौन सा ब्रांड बोलूँगा। आपको AMD लेना है, प्लीज़ AMD। इंटेल की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन प्लीज़ AMD को कंसिडर करो क्योंकि वो पैसे आपसे कम लेते हैं और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इसको दिखाया था, ये 30,000 का लैपटॉप है। अब 30,000 में इंटेल क्या देगा? i3 मोस्ट प्रोबेबली नहीं देगा, बट स्टिल i3 मान लो। तो क्या आप i3 में प्रीमियर प्रो चला पाओगे? जवाब है चला पाओगे, लेकिन मर जाएगा वो। सेकंड, क्या आप GTA 5 720p पे 45-50 फ्रेम्स ले जाओगे i3 पे? नहीं लेके जाओगे, वो लेके जा ही नहीं पाएगा, उसमें इतनी पावर ही नहीं होगी। तो ये AMD का प्रोसेसर है इसके अंदर, और जितने भी चीज़ें मैंने बोली, ये प्रीमियर चलाता है, बहुत अच्छे से चलाता है, ये आफ्टर इफेक्ट्स भी चलाता है और GTA 5 भी चलाता है, 40-50 फ्रेम्स आ जाते हैं 720p पे, क्योंकि इसमें GPU थोड़ा कमज़ोर है। तो प्रीमियर प्रो आपसे मिनिमम i5 तो मांगता ही अगर आपको उसके अच्छे से रन करना है, लेकिन मेरे पास है R5 2500U और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ऑल्दो मैंने इसमें एक SSD डाली हुई है, लेकिन उस पर हम थोड़ा बाद में आते हैं। लेकिन अब अगर मान लो आप इंटेल वाले ही हो, आप कहते हो मेरे को AMD लेना ही नहीं है, आपको इंटेल ही लेना है, तो इंटेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, i3, i5, i7, i9। तो अब बताते हैं कि कौन सा किस चीज के लिए रेलेवेंट होता है। अगर तो आप हो नॉर्मल यूजर, जो हमने पहली कैटेगरी डिस्कस करी थी, जो नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह करते हैं या थोड़ा बहुत वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, उनके लिए होगा i3। बट अगर आपको कभी मन करेगा कि आपको गेम्स खेलने, तो आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छे से रन कर पाएगा। अगर आपको ठीक ठाक लेवल की गेमिंग करनी है, अगर आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना है, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ये वीडियो एडिटिंग रिलेटेड जो काम होता है ये करना है,
तो आप i5 ले सकते हो, i5 आपका काम चला देता है। और मैं टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग और टॉप ऑफ द लाइन एडिटिंग की बात नहीं कर रहा, एक ठीक ठाक लेवल की गेमिंग और ठीक ठाक लेवल की एडिटिंग करवा सकता है i5 आराम से। बट अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हो कि आपको एडिटिंग मतलब बिल्कुल मास्टर वाली करनी है, बिल्कुल ही फिल्में ही बनानी है, तो i7 के पास जाओ। हालांकि इससे बड़ा भी आता है i9, लेकिन उसको खरीदने वाली कैटेगरी में हम में से कोई भी नहीं आता, मोस्टली हम में से कोई भी नहीं आता, तो i9 बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन हो जाता है। अब इंटेल में आती है जनरेशन, जैसे कि 3rd जनरेशन, 5th जनरेशन, 7th, 8th, 9th जनरेशन, ऐसे जनरेशन भी आती है। तो हर जनरेशन से फर्क बताता हूँ होता क्या। जैसे मान लो i5 7th जनरेशन है और i5 8th जनरेशन है। जो 7th जनरेशन वाला प्रोसेसर होगा उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, 8th जनरेशन वाले के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होंगे उनका साइज छोटा होगा। तो उसकी वजह से पावर कंजप्शन घट जाएगी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि आखिर क्या डिफरेंस पड़ेगा जनरेशन से। तो कोशिश करो आप एक बड़ी जनरेशन लो, जैसे कि i5 9th जनरेशन 10th जनरेशन वाले प्रोसेसर आप लो। बट अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा तो आप i5 8th भी ले सकते हो, थोड़ा सा पुराना जनरेशन ले लेना, ज्यादा पुराना मत लेना क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही घटिया होता है। बट स्टिल अगर आप AMD वाले हो तो आप R5 3600 ले सकते हो, 4600 वाली सीरीज में से ले सकते हो, वो बहुत तगड़े प्रोसेसर्स हैं। आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, चाहे आप गेमिंग वाले हो, चाहे आप एडिटिंग वाले हो, चाहे आप कोडर हो, आप AMD चूज करो मेरे हिसाब से। बट अगर आप इंटेल को प्रेफरेंस देना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो। अब बात करते हैं रैम के बारे में। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है जितनी ज्यादा रैम उतना फास्ट PC, जरूरी नहीं है ये। क्योंकि अगर आप मान लो 16GB की रैम लगा देते हो लेकिन आप काम करते हो 2GB वाला, तो वो 16GB रैम क्या कर रही है वहां पे। तो रैम भी हम उसी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करेंगे जो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी, जो नॉर्मल क्रोम चलाती है, जो मूवीज वगैरह देखती है, जो थोड़ा बहुत एक्सेल वगैरह मैनेज करती है, उसके लिए 4GB रैम इनफ है। क्रोम में 3 या 4, इससे ज्यादा टैब्स मत खोलना क्योंकि क्रोम रैम बहुत ज्यादा लेता है। इसके अलावा अगर आप फायरफॉक्स यूज करते हो तो अलग बात है, बट मैं क्रोम को स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ। तो अगर आप क्रोम में 3-4 टैब्स खोल के बैठते हो एट अ टाइम या फिर थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका काम 4GB रैम से चल जाएगा, लेकिन DDR4 होनी चाहिए। और रैम के अंदर भी जनरेशन होती है, जैसे DDR1, 2, 3, 4, कोशिश करो DDR4 ही लेनी है, कोशिश क्या DDR4 ही लेनी है। जैसे पीछे कोड चल रहा है आपका, इधर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के बैठे हो या फिर आप क्रोम में 2-3 टैब्स खोल के बैठते हो, तो दिस इज मोर देन इनफ कि 4GB रैम आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं उस दूसरी कैटेगरी पे, जो वो एडिटर्स वगैरह होते हैं, जो नॉर्मल एडिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो वही टॉप ऑफ द लाइन की बात नहीं हो रही, उनके लिए 8GB रैम इनफ होती है। अगर आप क्रोम में 10 टैब खोल के बैठे हो, 15 टैब खोल के बैठे हो, तो भी 8GB रैम आपका काम चला देती है और ठीक ठाक मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। आप क्रोम और प्रीमियर एक साथ चला सकते हो, फोटोशॉप और प्रीमियर आप एक साथ नहीं चला पाओगे, बट हाँ क्रोम और प्रीमियर, क्रोम फोटोशॉप ये सब चीजें चला सकते हो। बट फोटोशॉप प्रीमियर को एक साथ चलाने के लिए आपको मिनिमम 16GB की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 8GB रैम में आप गेम्स भी अच्छे से खेल पाओगे अगर आपका GPU स्ट्रॉन्ग है तो। GPU पे आते हैं इसके बाद। और अगर आप बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वाले हो कि मतलब बहुत ही अच्छी एडिटिंग करता हूं मैं, बहुत ही तगड़े गेम्स खेलता हूं मैं, तो आप ऑब्वियसली 16GB के नीचे बात मत करना। और अगर आप 4GB वाले हो तो प्लीज ये ध्यान रखना कि आपके लैपटॉप में एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन हो, कि आप मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो बाद में। कल को आप गेमिंग करने लग गए या मान लो थोड़ी बहुत एडिटिंग करने लग गए तो आपको रैम की जरूरत पड़ेगी, तो आप 4GB का मॉड्यूल खरीद के लगा सको, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं GPU की। सबसे पहले तो GPU है किसके लिए, जो पहली कैटेगरी है उसको जरूरत नहीं है GPU की, जो 3-4 टैब वाली है क्रोम में या जो कोडिंग वाली कैटेगरी वाली है उनको जरूरत नहीं है GPU की। बट उससे ऊपर जितने भी हैं, वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, गेमर, सबको GPU की रिक्वायरमेंट है और बहुत ज्यादा है। तो GPU में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, NVIDIA, AMD। सीधी चॉइस बता रहा हूँ, NVIDIA के अलावा आप मत लो, क्योंकि AMD के GPUs जो लैपटॉप में आते हैं अभी वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हैं। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो इंटेल के आते हैं वो तो तभी लो अगर आप मूवीज देखते हो, वो क्रोम वाली 2-3 टैब वाली कैटेगरी में आप एग्जिस्ट करते हो, कोडिंग करते हो, तो ही आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लो, अदरवाइज आप बिल्कुल भी मत लो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, बहुत ही गंदे होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। अगर आप 40 से 50 हज़ार के आसपास लैपटॉप लोगे तो आपको NVIDIA में 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, MX150, MX250, MX350 या फिर 940MX। ये सारे ग्राफिक कार्ड के नंबर हैं। ऑब्वियसली आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बेटर है और फिर वही जितना बेटर लोगे उतनी प्राइस बढ़ती जाएगी, लेकिन ये 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं आपको 40 to 50 thousand की रेंज के अंदर और ये आपके ठीक ठाक गेम्स को हैंडल कर पाते हैं। और GPUs के अंदर भी मेमोरी होती है, तो जो 40 के नीचे या 40-50 के आसपास आपको 2GB VRAM मिलती है तो वो आपको 2GB ही मिलेगी। अगर 4 मिल रही है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बट अगर आप 40 से ऊपर जाते हो तो आपको 4 की ही लेनी है, 4GB VRAM, और 40 के नीचे या 40-50 के बीच में
आप 2GB की भी रैम लगा सकते हो। जो हायर प्राइस सेगमेंट है उसमें आपको जनरली एनवीडिया की 16 सीरीज और 10 सीरीज मिलती है, 1050 Ti या फिर 1650 Ti, ये सब मिलते हैं। इनमें से आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा। अगर आप बजट इंक्रीज करोगे तो कार्ड की पावर इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप बजट कम रखोगे तो ऑब्वियसली कार्ड की पावर भी कम रहेगी। जनरेशन वैसे तो आजकल ऑटोमेटिकली DDR5 ही आ रही है नए नए लैपटॉप्स में, बट स्टिल आप चेक कर लेना, DDR5 ही लो, उसके नीचे का ग्राफिक कार्ड मत लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको DOS ही लेना है, विंडोज 10 नहीं लेनी अगर आपको 4000 रुपए बचाने हैं तो, क्योंकि जनरली विंडोज वाले लैपटॉप 4000 रुपए महंगे आते हैं और DOS वाले लैपटॉप सस्ते आते हैं। आप उसमें विंडो डलवा लो, 100-200 रुपए लेगा कोई, और आप डुप्लीकेट यूज कर लो, वरना आपको ओरिजिनल में कन्वर्ट करना आता होगा आई गेस। और एक्चुअल में सेम काम करती है, सिवाय वो एक्टिवेट विंडोज का नीचे कोने में लिखा आएगा और 2-4 फीचर मिसिंग होंगे जिनका कोई काम नहीं होता। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टोरेज, प्लीज प्लीज SSD ही लेना। अगर आप 2020 में भी हार्ड डिस्क चला रहे हो तो लिटरली आपको जरूरत है अपग्रेड की। एक SSD लो और प्लीज चेक कर लो, अगर लैपटॉप में SSD नहीं है तो आप बाद में डलवा सकते हो क्या। SSD मस्ट है, वो फास्ट कर देगी आपकी मशीन को काफी ज्यादा, चाहे आपका लैपटॉप हो 20,000 का, चाहे आपका लैपटॉप हो 1,00,000 का। प्लीज SSD लो। अगर आपका बजट कम है तो 128GB से शुरू करो, उसके बाद 256 पे स्विच कर लेना बाद में, और उसके बाद 500GB आपकी श्रद्धा है तो ले लो। और आपको विंडोज हमेशा SSD में इंस्टॉल करनी है, सो दैट कि आपके प्रोग्राम जल्दी लोड हो, आप कोई ऐप खोल रहे हो तो वो जल्दी खुले, आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो जल्दी चले। अगर इधर उधर लेके जाना चाहते हो तो प्लीज कंसिडर करो कि जो भी लैपटॉप आप ले रहे हो वो अल्ट्राबुक हो, सो दैट कि वो पोर्टेबल हो। अल्ट्राबुक एक बहुत अच्छी बिल्ड होती है उसकी, वो बनाए इसलिए होता है कि आप इधर उधर लेके जा सको। अल्ट्राबुक बहुत सारी कंपनीज की मिलती है, बाकी ब्यूटिफिकेशन, 360 डिग्री रोटेशन, ये सब चीजें मेरे ख्याल से मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, वो सब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं बनता। बस कूलिंग का ध्यान रखना कि कूलिंग सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि एक i7 भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा अगर उसमें कूलिंग अच्छी नहीं है तो प्लीज देख लेना पंखे वंखे बढ़िया नीचे से हवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और अब आप अपने लिए बेस्ट चूज कर पाओगे, चाहे आप 40,000 में करो, 50,000 में करो, 60,000 में करो, 1,00,000 पे करो, जितने पे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।